एथलेटिक्स ग्राउंड का एक राउंड लिया जाएगा, सब बच्चे झंडी जला के पीछे चलिएगा बैनर के, सभी बच्चे बैनर के पीछे आराम आराम से चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पालेंदर दौड़ता था जिस ट्रैक पे, एक राउंड लेंगे। चंडीगढ़ में पालन चौधरी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, महेश जी का बेटा, एक किसान का बेटा है, और वो बड़ी मेहनत से कैंथल गांव से निकल के इगलास तहसील होते हुए अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही प्रैक्टिस करके और इंटरनेशनल खिलाड़ी बना था, और वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के उसमें साई के कैंप में प्रैक्टिस कर रहा था, और परसों एक बैग खबर आई कि उसके सर में चोट है, और उसके घर वाले गए और वहाँ पे उसका जो है वहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी आकस्मिक निधन हो गया। और अलीगढ़ के पेपर में कल जो उसके दास अंतिम संस्कार के बाद आज उसके उसमें आज तमाम खेल संघों, अलीगढ़ के तमाम खेल संघ, खेल प्रेमी और सामाजिक संगठन के लोगों ने स्टेडियम में एक शोक सभा किया और कैंडल मार्च लेकर के ट्रैक में उसकी याद में, उसके शोक में उसको श्रद्धांजलि देते हुए तमाम लोगों ने ट्रैक में आज जो है उसके घर वालों को, ये क्योंकि वो अपने फादर के माहौल ये कि हम उसके जूनियर हैं और हमें बहुत दुख है उसकी मौत का, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। जितने भी जूनियर्स हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वही एक बंदा ऐसा था, इंटरनेशनल प्लेयर था, जो कि हम लोगों को प्रैक्टिस करा रहा था, हम भी उसी तरह बनना चाहते थे। खासतौर पर मेरा सपना ये था कि मैं भी उसकी तरह बनूं, क्योंकि मैं उसी का वर्कआउट करता था, उसी कहने से डाइट वगैरह सब कुछ। लास्ट टाइम भी मेरी बात उससे हुई थी, लेकिन उस टाइम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी जिससे वो ऐसा कदम उठा सके, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ इसने ऐसा कदम उठाया। मुझे बहुत दुख है, मुझे नहीं सारे खिलाड़ियों को बहुत दुख है इस चीज़ को लेकर। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये तो पता ही नहीं चला किस वजह से हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अक्सर 4 बजे करीब मेरी बात हो रही थी उससे, तो वो कह रहा मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, अभी बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है, शाम को बात करेंगे। और 5:30 बजे करीब खबर आई कि वो पता नहीं क्या किया उसने, बस।